वेलकम टू को लर्नर। वी आर डेडिकेटेड टू रीडिफाइन योर लर्निंग एक्सपीरियंस। हम लोग हमारी एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और इसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने उसके ऊपर आपको ऑलरेडी दो वीडियोस दे दिए हैं, और अब ये उसका आज का आखिरी वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा इसके बचे हुए कंसेप्ट। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आकर उनको देख लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स को समझने में। आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है उसका नाम है स्टॉक एंड फ्लो। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि ये समझ नहीं आता पहली बार में कि आखिर इसमें बोला क्या गया। जरा पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। स्टॉक के लिए बोला गया है कि एक क्वांटिटी मेजर्ड है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। वैल्यूज ऑफ स्टॉक को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे कि हमने एक आदमी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है या उसके बिजनेस में कितना कैपिटल है। वही फ्लो के लिए बोला जाता है क्वांटिटी मेजर्ड है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर। वैल्यू जो एक्सप्रेस होते हैं वो पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड पे होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल्स इन बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। जरा मैं इन दोनों टॉपिक को एक जगह पर कंपेयर करता हूँ, स्टॉक एंड फ्लो। जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे मिलता है वो क्या मिलता है, यहां बोला जा रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यहां बोला जा रहा है कि पर यूनिट ऑफ टाइम। जरा यहां लिखता हूं मैं, यहां बोला गया पॉइंट ऑफ टाइम पर, यहां बोला गया पर यूनिट ऑफ टाइम पर। फिर दूसरा पॉइंट यहां क्या बोला गया, यहां बोला गया स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यहां बोला गया स्पेसिफाइड पीरियड, यहां बोला गया स्पेसिफिक पॉइंट पर, और यहां बोला गया स्पेसिफाइड पीरियड पर। तो जी कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं स्टॉक कंसेप्ट को पकड़ूं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम का कंसेप्ट है। मतलब मैं साल में कभी एक बार आकर इसको मेजर करूंगा, जैसे कि बिजनेस में कितना कैपिटल है, बिजनेस में कितने असेट है, 31 मार्च मतलब साल के आखिरी दिन पर आकर उसको मेजर करते हैं, बार बार मेजर नहीं करते। वही फ्लो क्या है, पर यूनिट ऑफ टाइम पर है, मतलब इसे बार 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 हम लोग को मेजर करना होता है। वही जब मैं बात करता हूँ स्टॉक पे तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर बोला गया। नो व्हाट इज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर ही मेजर करेंगे, और स्पेसिफाइड मतलब बार बार मेजर करेंगे। तो पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब एक स्पेसिफाइड पॉइंट जब निकल जाएगा फिर आ जाएंगे, एक साल में कई बार आकर उसको मेजर करेंगे। वही स्टॉक सिर्फ एक बार मेजर होगा, दोबारा जल्दी जल्दी उसको मेजरमेंट की उसको हमें जरूरत नहीं है। अगर इनके रिलेशनशिप में बात करें स्टॉक और फ्लो के, तो ये क्या बोलता है, ये कहता है स्टॉक मींस ये लोग आपस में कंप्लीटली क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सपोज एक पर्सन को 1000 रुपए पर मंथ अपने बैंक अकाउंट में डालना होता है, ये मेजर होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे क्या बोलेंगे, फ्लो कंसेप्ट। ये फ्लो क्या क्रिएट करता है, स्टॉक ऑफ मनी अपने बैंक अकाउंट में, जो कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करना होगा। अब नाउ अगर सेम पर्सन हर महीने 500 रुपए विड्रॉ करे तो इसे हम लोग फ्लो कंसेप्ट बोलने लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक पर्सन अपने एक बैंक अकाउंट में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में आकर 1000 रुपए डिपॉजिट करवा देता है, वही एंड ऑफ एवरी मंथ में उसी में से 500 रुपए विड्रॉ कर देता है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये डिपॉजिट और ये विड्रॉल ये दोनों क्या है, ये भी एक फ्लो कंसेप्ट है, ये भी एक फ्लो कंसेप्ट है, ये बार बार हो रहा है। वही जो बैंक में जो बैलेंस पड़ेगा इस डिपॉजिट और इस विड्रॉल की वजह से वो क्या होगा, वो एक स्टॉक कंसेप्ट होगा। अब ये डिपॉजिट से ही स्टॉक क्रिएट करते हैं और वही स्टॉक से एक विड्रॉल होता है, मतलब एक फ्लो से स्टॉक बना और उसी स्टॉक से अगेन एक फ्लो क्रिएट हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक और फ्लो एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट है, ये फ्लो डिपेंडेंट है स्टॉक ऑफ मनी पे पर्सन के बैंक अकाउंट पर। तो ये हुआ हमारा स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अगला पॉइंट बोला गया इंटरसेक्टोरल फ्लोस का। क्या होते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो, ये चार सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के,
पहला सेक्टर क्या कहता है, हाउसहोल्ड सेक्टर। ये ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि इकोनॉमी के अंदर पहला सेक्टर है हाउसहोल्ड सेक्टर, तो ये हाउसहोल्ड सेक्टर के दो प्राइम फीचर्स हैं। पहला, ये ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और दूसरा ये इकोनॉमी के कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ इकोनॉमी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, इसके बाद हम लोग और क्या बोला गया, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जो कि हायर या परचेज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे हाउसहोल्ड से। तो अगर मैं कहूं कि मेरे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कौन से हैं या मेरा प्रोड्यूसर सेक्टर कौन है, इसके भी दो मेन फीचर है। पहला, ये हायर करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब उनका इस्तेमाल करते हैं हाउसहोल्ड सेक्टर से लेकर, और दूसरा ये प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरा करते हैं, प्रोडक्शन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करते हैं। वही गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा है, इसके दो रोल होते हैं, पहला वेलफेयर एजेंसी, दूसरा प्रोड्यूसर। मतलब एक तरफ तो गवर्नमेंट सेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक तरफ तो एक वेलफेयर एजेंसी। यहाँ पर वेलफेयर एजेंसी का मतलब क्या है, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट एजेंसी हम लोगों को सब्सिडीज और डिफेंस की चीजें हम लोगों को प्रोवाइड करती है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब गवर्नमेंट जो सामान खुद बना रही है। देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर, इसमें सारी एक्टिविटी आती है एक्सपोर्ट की और इम्पोर्ट की एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब बाहर की दुनिया। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ दो तरह के सेक्टर पे बात करी गई, हालांकि मैं आपको चारों सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ बोला यह गया है कि प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर पे सप्लाई के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वही प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर सेक्टर पे गुड एंड सर्विसेज के लिए, और गवर्नमेंट डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड पे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे वेलफेयर के लिए। अगर मैं यहां पर अभी सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करूं, अगर सिर्फ टू सेक्टर में पहला सेक्टर कौन सा आ गया हाउसहोल्ड, और दूसरा सेक्टर कौन सा आ गया प्रोड्यूसर, हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या है, सिर्फ टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना और पलट के वेलफेयर प्रोवाइड करना, सिर्फ इतना सा काम होता है गवर्नमेंट सेक्टर का। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो हाउसहोल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, ये देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में इसको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब दोनों सेक्टर दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं दोनों सेक्टर दूसरे पर बिल्कुल डिपेंडेंट है। इन फ्लोज को हम लोग बुलाते हैं रियल फ्लोज। इसका मतलब जब हम लोग बार्टर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मतलब गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर दे रहा है और हाउस होल्ड उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर इन रिटर्न उनको गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दोनों सेक्टर आपस में डिपेंडेंट है, किस तरह खाली गुड और सर्विसेज को लेकर, तो उसे हम लोग बुलाएंगे हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो में कोई मनी सप्लाई नहीं होती इकोनॉमी में, इसका मतलब ये एक्चुअली बार्टर सिस्टम की तरह काम करता है। ये सिस्टम बहुत पॉपुलर था तब तक जब तक ह्यूमन बॉन्ड लिमिटेड थी, अब जब से ह्यूमन बॉन्ड मल्टीप्लाई होने लग पड़ी है तो सिस्टम आउटडेटेड हो गया है और मनी फ्लो जो है अब वो ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है मनी फ्लोस। अब भाई मनी फ्लो का मतलब क्या होता है, इन द केस ऑफ मनी फ्लोस अगेन हमारे पास दो सेक्टर है, एक है हाउसहोल्ड और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। ये हाउसहोल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दूसरे पे कैसे डिपेंड हो जाते हैं। हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, या कह सकते हैं पहले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर को क्या देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाउसहोल्ड सेक्टर को देगा पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बुलाते हैं फैक्टर पेमेंट्स। इसे हम लोग क्या बुलाएंगे, फैक्टर पेमेंट्स। ये फैक्टर पेमेंट कैसे निकाली जाएंगी, लैंड के लिए रेंट दिया, लेबर के लिए वेजेस दिया, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट दिया। ये चारों चीजें क्या बन जाएंगी, हमारी फैक्टर पेमेंट्स। जब हाउसहोल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं तो
प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसे क्या देता है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी पेमेंट का यूज करते हुए प्रोड्यूसर सेक्टर अगेन हाउसहोल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदेगा, गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, और ये जो फ्लो है ये बिल्कुल काम करता रहता है। तो क्या बोला गया है, मनी फ्लोस के लिए बोला गया, ये रेसिप्रोकल है रियल फ्लोस के। रेसिप्रोकल कैसे है, देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए तो बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिली, गुड एंड सर्विस खरीदी तो बदले में पेमेंट फॉर गुड एंड सर्विस मिली, इसीलिए इनको रेसिप्रोकल बोला जाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर पे करेगा हाउसहोल्ड सेक्टर को पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म पे, और हाउसहोल्ड सेक्टर रिटर्न में इसको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर। मनी फ्लोज में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, एक्सचेंज हो रहा होता है मॉनेटरी का, मॉनेटरी वैल्यूज का। रियल फ्लो मनी फ्लो दूसरे के लिए अंटर रिलेटेड है, ये फ्लो ट्विन रिलेशनशिप डिमांड और सप्लाई का दिखाते हैं। ह्यूमंस को मतलब हमारे कंज्यूमर सेक्टर को चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज अपने एग्जिस्टेंस के लिए, इसीलिए उसको डिमांड करते हैं। ये डिमांड कंप्लीट करता है प्रोड्यूसर सेक्टर बाय डिमांडिंग, क्योंकि वो उन्हीं डिमांडेड गुड्स को सप्लाई करता है। तो ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है, ये प्रोडक्शन है, ये पॉसिबल है अगर हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाई करेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूसर सेक्टर। इस तरीके से दोनों की डिमांड कंप्लीट होती है, हेंस रियल फ्लो जो है वो टेक प्लेस होता है। इन रिटर्न ये पेमेंट करते हैं टू विच मनी फ्लो हमारा इट टेक्स फॉर्म। तो ये बात थी हमारे पूरे चैप्टर के बारे में, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी डाउट आया होगा तो मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग अगले टर्न से मतलब हमारे अगले वीडियो से हम लोग बात करने शुरू करेंगे हमारे अगले चैप्टर नेशनल इनकम पे। इस पूरी सीरीज में आपको सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, कोई भी डाउट लगे तो प्लीज बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।